मोटू पतलू और जादुई पेड़ और जादुई बक्सा। एक सुनहरे दिन फुफुरिया नगर में मोटू और पतलू दोनों ही अपने चिरपिंग दोस्त बोक्सरी के साथ उदाहरणीय दिन बिता रहे थे। एक दिन वह एक जादुई पेड़ की तलाश में निकले। उनका मित्र गुप्ता जी ने उन्हें एक पुराने किले के पास जाने की सलाह दी, जहां कहीं बड़ा सा जादुई पेड़ होने की अफवाहें थी। रास्ते में मोटू और पतलू ने एक जादुई बक्सा देखा जो एक वृक्ष के नीचे रखा हुआ था। बोक्सरी ने उनसे कहा, देखो यह बक्सा बहुत ही रहस्यमय है, कहीं पर कोई जादुई वस्तु छुपी हो सकती है। मोटू और पतलू ने बक्सा खोला और वहां से एक चमकती हुई पुरानी किताब निकली। उन्होंने उसे देखकर हैरान होकर उसे पढ़ने लगे। वह थी एक जादुई किताब जिसमें विभिन्न प्रकार के जादुओं का वर्णन था। मोटू ने कहा, यह किताब हमें और भी बड़े जादुओं का पता लगाने में मदद कर सकती है। पतलू ने जवाब दिया, हाँ यह सही है, हमें इसे धरोहर की तरह रखना चाहिए। इसके बाद तीनों दोस्त ने वह किताब सुरक्षित रख दी और वार्ता का कारण जादुई पेड़ की ओर बढ़ गए। किले के पास पहुंचकर उन्होंने एक बड़े से पेड़ को देखा जो अद्भुत और पूरी तरह से विशेष था। बोक्सरी ने कहा, यह है वह जादुई पेड़ जिसकी हम खोज में थे। इसके फलों में कुछ अद्भुत शक्तियां हो सकती हैं। बड़े उत्साहित होकर मोटू पतलू और बोक्सरी ने पेड़ के पास जाकर देखा कि पेड़ के फलों में जादुई शक्तियों की बौछार हो रही थी। उन्होंने कुछ फलों को तोड़ा और बगीचे से बहुत के लिए लौटे। घर वापस आकर तीनों दोस्तों ने विचार किया कि इन जादुई फलों से कुछ अच्छा करेंगे। मोटू ने कहा, हमें इन फलों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, और हाँ बोक्सरी, वह जादुई किताब भी हमें मदद कर सकती है। उन्होंने जादुई किताब से कुछ जादू सा ईखा और जादुई फलों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में चमत्कार करने लगे। पहले ही दिन वे अपने दोस्तों को हैरान कर दिए जादूगरी उपकरणों के साथ। एक दिन जब वे अपनी नगर की सफाई में मदद कर रहे थे, उन्हें एक पुराना और बहुत ही खोजी नगर वाले ने देख लिया। उसने मोटू पतलू और बोक्सरी को अपने नगर में एक बड़े से मेले का आयोजन करने के लिए पुरस्कृत किया। मोटू पतलू और बोक्सरी ने तुरंत हाँ कह दी और मेले की तैयारी में जुट गए। वे नगर के हर कोने में गए और लोगों को मेले में आने के लिए आमंत्रित किया। मेला आयोजित हुआ और नगर ने अपनी हर्ष भरी राहों में तेजी से बढ़ते हुए देखा। मोटू पतलू और बोक्सरी ने जादुई फलों का इस्तेमाल करके मेले को और भी रोचक बना दिया। उन्होंने जादूगरी उपकरणों का प्रदर्शन किया और लोगों को हैरान कर दिया। मेले का आयोजन सफलता से संपन्न हो गया और नगर वाले ने मोटू पतलू और बोक्सरी को सम्मानित किया। उन्हें नगर के नए हीरो के रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह मोटू पतलू और बोक्सरी ने जादुई पेड़, जादुई बक्सा और जादुई किताब के साथ मिलकर अपने नगर को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी मेहनत और जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल ने नगर को रोशन किया और एक नए आधुनिक युग की शुरुआत की। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.